नमस्कार, मैं हेमंत और आप देख रहे हैं एशियन 24। रुक कर लेते हैं अभी तक के अहम खबरों पर। महासमुंद जिले के सभी धान खरीदी केंद्रों में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के कार्य में लगे समिति के कर्मचारियों की कोविड जांच का कार्य किया जा रहा है। कलेक्टर कार्तिकेय गोयल के मार्गदर्शन में जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य द्वारा धान खरीदी केंद्रों में भी कोरोना जाँच टीम द्वारा कोरोना लक्षण वाले संदिग्ध व्यक्तियों व कर्मचारियों की जाँच की जा रही है। महासमुंद जिले के सभी धान खरीदी केंद्रों में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के कार्य में लगे समिति के कर्मचारियों की कोविड जांच का कार्य किया जा रहा है। कलेक्टर कार्तिकेय गोयल के मार्गदर्शन में जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य द्वारा धान खरीदी केंद्रों में भी कोरोना जांच टीम द्वारा कोरोना लक्षण वाले संदिग्ध व्यक्तियों कर्मचारियों की जाँच की जा रही है। महासमुंद जिले के पिथौरा विकास खंड के अंतर्गत पेंड्रावन, जगदीशपुर, भस्करा पाली, घोंद, परसदा, भुरकोनी इत्यादि धान खरीदी केंद्रों में कार्यरत कर्मचारियों की कोविड 19 की जांच की गई, जिसमें 17 कर्मचारियों की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इन सभी कर्मचारियों को आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए आइसोलेशन में लिया गया है। 1 दिसंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू हुए 2 सप्ताह से अधिक समय बीतने के पश्चात जिले की 60,303 कृषकों से अब तक 196,413 मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है। कोविड 19 की वर्तमान परिस्थितियों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क और अन्य सुरक्षा मानकों के समुचित उपयोग की अपील जिला प्रशासन के द्वारा बार बार किसानों एवं धान खरीदी में लगे कर्मचारियों से की गई है। इसी कड़ी में कलेक्टर कार्तिकेय गोयल के निर्देश पर तहसील पिथौरा के अंतर्गत सभी धान उपार्जन केंद्रों में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 18 एवं 19 दिसंबर को धान खरीदी कार्य में लगे कर्मचारियों की कोविड जांच हेतु अभियान चलाया जा रहा है। खंड चिकित्सा अधिकारी तारा अग्रवाल और विकासखंड कार्यक्रम समन्वयक जयकांत विश्वकर्मा से प्राप्त जानकारी के अनुसार 18 दिसंबर को महासमुंद जिले के पिथौरा विकासखंड के अंतर्गत पेंड्रावन, जगदीशपुर, भस्करा पाली, घोंच, परसदा, भुरकोनी इत्यादि धान खरीदी केंद्रों में कार्यरत कर्मचारियों की कोविड 19 की जांच की गई, जिसमें 17 कर्मचारियों की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इन सभी कर्मचारियों को आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए आइसोलेशन में लिया गया है और आवश्यक मार्गदर्शन स्वास्थ्य विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। अनुविभागीय अधिकारी और इंसिडेंट कमांडर पिथौरा ने धान खरीदी कार्य में लगे सभी कर्मचारियों और मजदूरों से अपील की है कि वे सभी इस अभियान में शामिल होकर अपनी कोविड जांच अवश्य करा लें और साथ ही धान खरीदी केंद्र में आने वाले किसान भी मास्क का अनिवार्य रूप से उपयोग करने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन अवश्य करने कहा गया है। महासमुंद से किशोर कर की रिपोर्ट, एशियन 24।